दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी थर्ड एग्ज़ाम, बिल्कुल अगर देखा जाए आपका एक मामला लगातार ट्रेंड कर रहा है बिहार शिक्षक भर्ती के तहत। लगातार जो आपकी परीक्षा जो है लीक हुई है, पेपर लीक प्रकरण को लेकर जितने भी अभ्यर्थी हैं लगातार मामले को ट्रेंड करा रहे हैं कि भैया हमारा पेपर जो है एक बड़े स्तर से लीक हुआ है, इस पेपर को रद्द करके दोबारा से री एग्ज़ाम कराया जाए। तो बीपीएससी इसके संदर्भ में क्या कर रही है, आखिरकार इस वीडियो में हम आपके बीच में साझा करेंगे। देख सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती मामला, लगातार पेपर स्थगित की मांग आप सभी की जारी है और इस पेपर स्थगित के बीच में एक बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस निकाली जा रही है, जैसा कि तीर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम आपके बीच में इस ऑफिशियल नोटिस से आपको रूबरू कराएंगे। तो फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में इस ऑफिशियल नोटिस को आप देख लीजिए, जो है कहा जा रहा है दिनांक 15/3/2024 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा तैयारी थर्ड के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंध में दिनांक 16/3/2024 को आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा की गई समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई है कि दिनांक 15/3/2024 को आयोजित परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है। आगे कहा जा रहा है कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आर्थिक एवं साइबर अपराध जो है प्रभाग द्वारा विशेष टीम गठित कर 15/3/2024 को प्रातः 5 बजे जी हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापेमारी कर उत्तर रटने एवं सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्र होने एवं छापेमारी के क्रम में मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेनड्राइव आदि बरामद होने की सूचनाएं प्रतिवेदित की गई हैं। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में प्रथम सूचना दिनांक 15/3/2024 के अपराहन 2:30 बजे तक उपलब्ध कराई गई। उसके पूर्व अपराहन 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा जो है समाप्त हो चुकी थी। आगे और द्वितीय पाली की परीक्षा अपराहन 2:30 बजे प्रारंभ हो गई थी। कथित जो है प्रश्न पत्र लीक का मामला आर्थिक अपराध जो है इकाई द्वारा अंक जो है अनुसंधान अंतर्गत जो है आयोग द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व जो है प्रश्न पत्र एवं जो है उत्तर लीक होने के संबंध में ठोस साक्ष्य की मांग आर्थिक अपराध से की गई है। ठोस साक्ष्य एवं वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर जो है समीक्षोपरांत शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण यानी तैयारी थर्ड हेतु दिनांक 15/3/2024 को आयोजित जो परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आपने देख लिया अभी इतने बड़े स्तर से पेपर आपका लीक हुआ है, हजारीबाग में हजारों अभ्यर्थी जो है उत्तर को रटते हुए नजर आए थे, ठीक है। आपके बीच में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जो है वायरल किया गया जिसमें अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष के बाहर जो है अपने ओएमआर को भरते हुए नजर आए, ठीक है। लेकिन अब आयोग किस तरह से जो है साक्ष्य को नहीं मांग रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ देखिए अब जो है आयोजित परीक्षा संबंध में आयोग निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। अभी इसका निर्णय नहीं हुआ है कि आपकी परीक्षा स्थगित होगी या नहीं होगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है बीपीएससी के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए, यहाँ से कुछ जो है सूक्ष्म जानकारी के अनुसार अगर कहा जाए तो आयोग जो है जो परीक्षा 15 तारीख की डेट में आपकी आयोजित कराई गई है इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का विचार बना रहा है, ठीक है। हालांकि अभी जब तक ऑफिशियल नोटिस परीक्षा स्थगित की नहीं आ जाती तब तक हम सारी चीज को खंडन करते हैं। फिलहाल के लिए अभी आयोग की नजर इस पर बिल्कुल पैनी है, ठीक है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में इन्फॉर्म जरूर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।